जय श्री राधे जी, वेलकम टू डंगेस्ट्रो कैंटेज 23.6 ईयर्स गर्ल राइट हैंडेड पर्सन। आज आपके इस बोध को हमको एनालाइज करने जा रहे हैं और जो इसके फल है और जो आपका भविष्य है उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इसके अलावा आपके कुछ स्पेशल सवाल भी थे जिसके आप टू द पॉइंट आंसर चाहती थी। जब ऑफलाइन स्टडी हमने करी आपके बोध फॉर्म की तो जो आंसर्स निकल के आए उसे सबसे पहले उससे आपको हम अवगत करवा देते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब आपकी किस्मत में है और वो निश्चित है। जो भी स्टेट SSC रिलेटेड जॉब होते हैं और बैंकिंग रिलेटेड जॉब, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं और SSC में आपके लिए बेहतर संभावनाएं यहां पर स्पष्ट तौर पे बन रही है। जॉब की एज क्या होने जा रही है, 26 टू 29 की एज आपके लिए जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे अगले वर्ष का जो समय है वो आपके लिए प्रबल योग बनाने वाला है और उस समय आप बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ सकती हैं और काफी कुछ आपके पक्ष में संभावनाएं वहां पर रहने के अनुमान है। हालांकि जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा असंतुष्ट करने वाला होगा, तो करते हुए आगे आप बेहतर के लिए तैयारी प्रारंभ कर सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरा है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ के प्रति निष्ठा है वो बार बार थोड़े अप्स डाउन की सिचुएशन में आएगी। बिकॉज वैवाहिक संस्था में आपका भरोसा कई दफ़े उस तरीके से नहीं रहता जैसी होनी चाहिए। कभी अच्छा कभी बुरा, मन में लोगों को देख के आपकी चीज़ें बदलती होती हैं, तो आप एक नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाए हो कि कैसी होनी चाहिए। वैसे आपकी मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो प्रबल योग आपके जब आपकी आयु 18 वर्ष थी उसी समय शुरू हो चुकी थी, 18 से 22 वर्ष के बीच का था, जो कि अभी अगला जो वर्ष होगा वो आपकी 23 जब आ जाएगी 2023, उसके बाद से आपके लिए फिर योग बन रहे हैं। इसके अलावा फिनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, अच्छी खासी रहेगी। आप खुद की अपनी अर्निंग से अपनी लाइफ को बेहतर दिशा दे पाने में कामयाब है। आपको ट्रैवलिंग का शौक है वो पूरा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा होगा। फॉरेन की ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन आप अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैरिड एज ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है। SSC रिलेटेड कोई भी लोक सेवा के कार्य, अपने स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड आप करेंगे उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपने राइट हैंड से क्वेश्चन पूछा है, खासकर आपके गुरु माउंट से रिलेटेड, कि गुरु माउंट पे ऊपर से जो दो लाइनें आ रही है आपके लिए क्या करती हैं। देखो, इनके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आप दूसरों के लिए, आपके मन में बड़ी दया भावना रहती है, बहुत कुछ रहता है। दूसरा अगर कोई अच्छा से थोड़ा सा बात कर देवे तो उसके लिए आप जान निकाल के रख देवे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा धर्म के प्रति बड़ी ज़बरदस्त आस्था हो जाती है, इस कारण आपके मन में भोलापन आ जाता है और कई दफ़े आप दुनिया की जो पेचीदगी है और दुनियादारी है उसे आप नहीं समझ पाते और वो आपके लिए नुकसान का काम कर बैठता है। कई दफ़े आप आलस्य से घिर जाते हैं और अपने आसपास मौजूद अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते, तो यहां पर ये नुकसान के लिए आपके लिए योग बनाने का काम करता है। हालांकि इसकी उम्र पूरी हो चुकी है और अब इससे आपको नुकसान किसी भी तरीके से नहीं होगा। इसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन सन एंड बुध लाइन, यानी कि मरकरी एंड सन के बीच का जो कॉम्बिनेशन है। देखो, यहां पर कॉम्बिनेशन जैसा कुछ बन नहीं पाया है, ठीक है, छोटे छोटे दो कोण की सिचुएशन बन पाई है और एक कोण की स्थिति आपके लिए मुश्किल नहीं है। बिकॉज आपकी सन लाइन काफी परफेक्ट है और बेहतरीन तरीके से यहां पर काम कर रही है। कई सारे त्रिभुज होने की स्थिति में ये आपके लिए सुनहरे अवसरों को प्रदान करने वाली है और भाग्य को काफी चमकाने वाली है। तो आप अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से अपने जीवन को काफी लाइमलाइट में लेके आने वाले हो और काफी प्रसिद्धि पाने वाले हो, तो ये चीजें आपके हक में काम कर रही है। इसलिए सन का फेवर में आपके होना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। हालांकि यहाँ पे आपका जो सैटर्न है ये थोड़ी मुश्किल में है। बिकॉज सैटर्न के अगर बेस को आप देखोगे तो बेस काफी स्ट्रांग है, इसमें कोई सोच नहीं है, लेकिन जो सैटर्न की लाइन यहाँ पर इसने हॉट लाइन से जो कॉम्बिनेशन बनाई है ना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पर मुश्किलों को बढ़ाने वाली हो जाती है। कई दफ़े शक एक ऐसी बीमारी है जो कि जब आप मैरिड लाइफ में जाओगे आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने का काम करेंगे। कई दफ़े अपना काम करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने की सिचुएशन में आ जाओगे कि मेरा काम बन जाए, इसके लिए हम कोई भी कीमत करने के लिए तैयार हैं, कोई भी धूर्तता कुटिलता करने को तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति को दिखाने का काम करता है। अंदर से इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि पूछो मत, तो आप अंदर से आपको बोल्ट रहना पड़ेगा। बहुत बार बाद बाद में आप लो फील करना शुरू कर देते हैं और जब आप लो फील करेंगे ना, आपके लिए सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लो कभी मत फील करो, बिकॉज आप अंदर से जितने स्ट्रांग रहोगे आपकी दुनिया उतनी बेहतर चलेगी। ये सब शैडोज है, छाया है, जो कि केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन को थोड़ा सा जगजोड़ने का काम कर रही है और यहाँ पर बुध का भी उसी प्रकार से सहयोग बन रहा है। तो बुध के सहयोग से क्या हो जाएगा कि मन में जो मैरिड लाइफ है उसके प्रति जो एक वैवाहिक जीवन के कुछ आचार विचार होते हैं उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा, केतु के कारण क्या हो जाएगा कि मन अस्थिर हो जाएगा,
पता ही नहीं चलेगा हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, तो उस सबके कारण चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर रखना है। तो ये आपके थे बेसिक क्वेश्चंस जिसके टू द पॉइंट आंसर्स आपको मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं फुल एनालिसिस पे और चीज़ों के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन क्या है और कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। मणिमंत की रेखाओं से अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले प्रथम रेखाओं को आप अगर देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा जल्दबाज बनाने का कार्य करता है, क्योंकि ये रेखा चंद्र की रेखा है न कि प्रथम रेखा है। अब यहां पर क्या है, इसकी जो स्थिति है वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल प्रदान करने वाली है और मन को थोड़ा हलचल में रखने वाली है। प्रथम रेखा की जो यहाँ पर स्थिति है वो बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ी है और सही तरीके से आगे की तरफ जा रही है। किसी भी तरीके का एक जो मन में डर और नशा होता है ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा अपने अंदर मत उतार लो कि बाद में वो आपका जीना मुश्किल कर दे। प्रथम रेखा के साथ इसकी युति बन रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा हल्के में लो, लाइटली लो, अच्छा रहेगा। खुश रहना सीखो, प्राणायाम वगैरह करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रथम रेखा की स्थिति को देखो, जीवन शक्ति की स्थिति को बेहतर बना रही है। केतु का यह क्षेत्र थोड़ा सा गहरा होता चला जा रहा है। केतु का क्षेत्र गहरा होने का मतलब है कि अंदर ही अंदर एक संघर्ष की स्थिति, ठीक है। मन मस्तिष्क के बीच, आत्मा मस्तिष्क के बीच एक संघर्ष चलता रहेगा। आप खुद से ही बात करोगे, खुद के ही अंदर आप एक युद्ध लड़ते रहोगे, ऐसे स्थिति को बढ़ाने का काम करेगा। दूसरी अगर धन की बात करें, उसकी स्थिति आपके जीवन में ठीक ठाक रहने वाली है जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। सुख की स्थिति जीवन में ठीक ठाक है, यश की स्थिति सामान्य है। अब ऊपर के क्षेत्र में हम चलते हैं और बाकी जो पर्वत क्षेत्र है उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपके जुपिटर के माउंट पे, जो कि बात हो रही है प्रारब्ध की, लेफ्ट पाम की। तो प्रारब्ध यहाँ पे आपका के हक में है और बहुत ही सुंदर है। तो ये आपको बेहतर जॉब देने का यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कार्य कर रहे हैं। और जो आपने पूछा था गवर्नमेंट जॉब देने में ये आपके पक्ष में है और ऑफिशियल जॉब यहाँ पर आपको मिलेगा, खासकर लेखा संबंधित और जो भी ऐसे काम होते हैं जिसमें सांख्यिकी से रिलेटेड, जैसे अकाउंटिंग वगैरह, उससे संबंधित कार्यों की तरफ आपको बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी इसने आपको काफ़ी ज़्यादा वृद्धस्त दिया है, यानी कि विशेषज्ञता आपको दी है, एक्सपीरियंस दिया है, उसका भी लाभ इन फ्यूचर आप कभी चाहेंगे अगर तो उठा पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी स्थिति है, तो घर मान पद सम्मान की स्थिति आपके लिए देने का एक काम यहाँ पर गुरु कर रहे हैं और गुरु युवा अवस्था में है, जो कि आपके लिए काफी शुभ स्थिति को दिखाने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ससुराल में भी जातक के लिए परिस्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी, वहां भी मान सम्मान की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। हालांकि वैचारिक मतभेद की स्थिति अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपके जीवन में कई दफे देखने को मिल सकती है। घर गृहस्थी के काम में इसके अलावा कुछ बेहतर संपत्ति अर्जित कर पाने में आप यहां पर कामयाब होते दिख रहे हैं और ये आपके पक्ष में होती चली जाएंगे। इसके अलावा धर्म के प्रति भी आपकी आस्था धीरे धीरे बढ़ेगी और आस्था के कारण अब क्या होगा कि परोपकार से संबंधित बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो कर पाने में आप सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा बात करें आपके सैटर्न के इस माउंट की, तो प्रारब्धानुसार सैटर्न आपकी बेहतरीन स्थिति में है। किसी प्रकार के कोई दोष की स्थिति यहाँ पर इन्होंने बनाने का काम नहीं किया है। हालांकि कुछ जैसे कि रोग आपको ये देने का काम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नेत्र संबंधित रोग, क्योंकि शुक्र सन की स्थिति भी थोड़ी वैसी ही बन रही है, से आप थोड़ा सा सावधान रहना। और स्नायु संबंधित रोगों की स्थिति बढ़ सकती है क्योंकि केतु का भी सहयोग है, तो इस कारण क्या हो जाएगा कि मन अस्थिर रहने की स्थिति में बनेगा और वो आपके लिए नुकसान को बढ़ाने वाला होगा, तो उससे बच के रहना। आप महसूस करते होंगे कई दफ़े कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, कुछ समय बाद अपने आप वो सारी चीज़ें खत्म हो गई बिना कुछ किए हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी और आगे भी चलती रहेंगी। इसके अलावा शनि, यहाँ पर शनि से संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि निश्चित तौर पर आपको करने चाहिए। जिस उपायों के बारे में जब आपसे पर्सनली बात होगी, जो टाइम दी जाएगी, तो समय आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा बात करते हैं आपके सन के इस माउंट की। सन का जो माउंट है, प्रारब्धानुसार कुछ कुछ खास समय, जैसे कि आपकी उम्र के 16वें वर्ष से इनका उदय हो चुका है, 16वें वर्ष से लेके 19वें, 19.5वें वर्ष तक, उसके पश्चात 22वें वर्ष से लेके 24वें, 24.5वें वर्ष तक, इसके अलावा 26वें वर्ष से फिर शुरुआत होगी जो 37वें और 38वें वर्ष तक आपके साथ काम करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर 39 से लेके 43वें वर्ष तक आपके विरोध में रहेगी, फिर उसके बाद आपके पक्ष में रहना शुरू कर देंगे, तो उसका लाभ भी आपके जीवन में उसी प्रकार से मिलता चला जाएगा। इस समय में आप विभिन्न प्रकार के निवेश करेंगे, अलग अलग जगह निवेश करेंगे, वो निवेश आपके हक में नहीं जाएगा, कई जगह आपको घाटा हो जाएगा। जॉब वगैरह के लिए किसी को अगर सिफारिश करनी हो या पैसे देने हो तो इससे दूर भागे, क्योंकि अगर आप पैसे कहीं लगाएंगे तो आपके पैसे फंस जाएंगे और पैसे वापस आपको नहीं आएंगे, क्योंकि बिना कोई पैसे लगाए ही ऑलरेडी आपको जॉब यहां पर प्राप्त है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की उसमें कोई आवश्यकता आपके लिए नहीं है।
कई दफे आपको मौके ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि इससे मैं अपने आप को लाइमलाइट में ला सकती हूँ, बहुत ऊपर लेके जा सकती हूँ। कुछ लोग प्रलोभन देने की स्थिति में आपकी तरफ आएंगे, उन प्रलोभनों से बचना। बस यही समझना कि जो सही है, जैसे 1 रुपये में 1 रुपये का ही सामान मिले तो ठीक है, कोई कहे ना कि 1 रुपये लगाओ कल 10 रुपये बना के दे दूंगा, तो ये सीधा झोल है। समझ में आती है ना, वो चाहे कितने भी सबूत दिखाए लेकिन पता है ना कि ये नहीं हो सकता, तो उसे मत मानो। ऐसे किसी भी प्रलोभन में अगर फंसे तो आपके लिए बड़ी घाटा हो जाएगा, ठीक है? तो इनसे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे आपके बुद्ध के क्षेत्र की। यहाँ की स्थिति थोड़ी सी संघर्ष में दिख रही है और कई दफे आप खुद से संघर्ष करते हुए देखे जा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। देखो, विवाह आपका एक ही होना है, विवाह बड़ा बेहतर रहना है, संबंध बड़े बेहतर रहने हैं, जो लड़का होगा आपसे बड़ा प्यार करने वाला होगा, ठीक है? लेकिन मन को इधर से उधर अस्थिर ना करे, चंचल मत होने दे, मन के घोड़ों पर लगाम लगा के रखे, ठीक है? कई दफे वो भाग रही है इधर से उधर, तो उस पर लगाम लगा के रखना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है? अरेंज मैरिज की योग होगी, सबके पसंद से होगी, बस यही है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और आपके मंगल के क्षेत्र को देखते हैं। मंगल का वेग बहुत ही सुंदर है, मंगल की तरफ से किसी प्रकार की हानि के योग नहीं बन रहे हैं। दूसरे मंगल की स्थिति अच्छी है, घूमने फिरने के आपके सारे शौक पूरे होंगे, बहुत ज्यादा घूमोगे, ट्रैवलिंग आपको पसंद भी है और ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है? आपके पास जवाब बिल्कुल क्लियर रहते हैं लेकिन फिर भी आप उलझ क्यों जाते हो? जब जवाब देने की बारी आती है तो बोलते बोलते भूल जाते हो क्या बोल रहा हूँ, क्या करना है। इन सब चीजों से उबरो, ठीक है? खुद पे भरोसा करो और बस दौड़ जाओ, आप सफल हो जाओगे। भरोसे की कमी हो रखी है, ठीक है? और थोड़ी सी हेल्थ वाइज भी इश्यूज आ रही है, तो उस पर काम करने की आपके लिए तत्काल आवश्यकता है। मस्तिष्क रेखा लो फील करोगे, आपके लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी। आपके मामा, पिता, भाई, माता, ये लोग आपके, इन लोगों से सहयोग लो, जीवन में, करियर में बहुत ज्यादा प्रगति के योग आपके लिए तेजी से बनेंगे, ठीक है? मध्य के क्षेत्र में राहु थोड़ा सा अड़चन पैदा कर रहा है लेकिन राहु ज्यादा दिन तक अड़चन पैदा नहीं करेगा। और करेक्टर वाइज खुद को बहुत दूरगामी सोचो और किसी प्रकार के मानसिक रूप से भी विकृतियों को मत आने दो, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जीवन रेखा की स्थिति आपके लिए अच्छी खासी है, बेहतर योगों का निर्माण कर रही है। त्रिशूल की स्थिति आपके इस क्षेत्र में बन पड़ी है, खासकर इस अंतिम क्षेत्र में, जिसका होना आपके हक में है और किसी प्रकार से आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाने वाला नहीं है और आपके फायदे की, आपके हित में एक काम करने वाला है। फायदे में किस तरीके से ये आपके लिए काम करेगा, यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी स्टेबिलिटी होती है जीवन में, अस्थायित्व आपके यहाँ पे आने के भरपूर योग हैं। इसके अलावा चल अचल संपत्ति की मात्रा अच्छी खासी बनी रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पोह में रहोगे कि जिंदगी पता नहीं रोड पे ना आ जाए, ऐसा कुछ कुछ नहीं होगा, बड़ी अच्छी तरीके से चलेगी। हाँ, जीवन का जो अंत होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि कांतिहीन है, बलहीन है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो कई दफे ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर पर हमारा काबू नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति को दिखाने का काम करता है, जो कि रोग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई दफे सचेत कर चुका हूँ पिछले कुछ मिनटों में, ठीक है? तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। बिजनेस में कभी भी न जाए, किसी भी तरीके से न जाए, वो आपके लिए नुकसान की ओर बनाएगा। विदेश जाने के कई बार अवसर बनेंगे लेकिन पूरे नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात करेंगे आपके शुक्र के क्षेत्र की। शुक्र का क्षेत्र आपके लिए काफी अच्छा है, तो खुद की संपत्ति से घर वाहन के योग आप निश्चित तौर पर अपने लिए बना रहे हैं आपके जीवन के 30वें वसंत के बाद। इसके अलावा राहु का क्षेत्र आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, इनसे संबंधित कुछ कार्यों को संपादित आपको करना पड़ेगा, ताकि इनकी जो मुश्किलें हैं, अड़चने हैं, जो कि आपको बार बार असफल कर रहे हैं अपने कार्य में, कार्य क्षेत्र में, उससे आप बच सके, क्योंकि इन्होंने कई दफे आपको असफल किया, लगातार असफल किया है, लगातार कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे आपको बचना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी अड़चन नहीं है, ठीक है? ज्यादा बड़ी अड़चन नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें हैं लेकिन इसके कारण पूरी गाड़ी फंसी पड़ी है। मान लो ना कि आपने एक कार रखी है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, एक नंबर ब्रांड न्यू कार है, हवा नहीं है तो चलेगी क्या? मामूली सी चीजें फ्री में मिलने वाली लेकिन नहीं चलेगी। वैसा ही बहुत छोटी छोटी चीजें कई दफे होती है जो कि हमारे करियर में, हमारे राह में रोड़े अटकाती है। आपका काम होता है उसे आइडेंटिफाई करना, हम देते हैं आइडेंटिफाई करके उसे, ताकि चीजें आपकी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी चीज है।
जो कि आपकी राह को आसान कर देवे। मध्य के क्षेत्र में आती यहाँ पर जो चंद्र के साथ सहयोग मनाती हुई त्रिभुजों की स्थिति है, ये आपके हक में है, ये आपके लिए बेहतर काम करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने लोगों के सहयोग से आपके लिए बेहतर योग का निर्माण यहाँ पर होने के बेहतर योग बन रहे हैं। भाग्य रेखा की स्थिति, चंद्र के ऊपरी क्षेत्र से निकलना आपके हित में है। इसके अलावा यहाँ पर जो खासकर जो आपकी मंगल जनित रेखाओं से जो बनी है त्रिशूल की स्थिति, ये भी आपके हक में है और यात्राएं आपको काफी लाभ और सुकून देने वाली होंगी। अब हम चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में और वहां से जानते हैं कुछ परिस्थितियों को। आपके बाएं हाथ की जो चंद्र की स्थिति थी आपके हक में थी। बात करेंगे आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की। गुरु का पर्वत क्षेत्र फिलहाल आपकी जो तैयारी है बहुत ज्यादा गंभीर होती चली गई है। क्या होता है कि बहुत बार हमें चीजों को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन उसे हम इतना भाव दे देते हैं ना कि वो भाव खाने लगता है। तो वही हाल हो रखी है, अभी आप चीजों को बहुत सीरियस ले रहे हो, उतना सीरियस वाली चीजें नहीं है। सब चीजों की एक फिक्स तापमान होता है, टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में ही ठीक रहता है। ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे गल जाएगा, ठीक है, जल्दी के चक्कर में। तो मत दो, नॉर्मल लाइफ को हल्के हल्के करके आगे बढ़ो, मिल जाएगी सफलता, ठीक है। बाकी तरह संघों की स्थिति, प्रधान ग्रह के योगों को का निर्माण कर रहे हैं जो कि आपके हक में है। इसके बाद बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की। देखो शनि थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, तो मानसिक तौर पे थोड़ा सा विचलित करने का और लो करने का टाइम टू टाइम ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है, और मन में विभिन्न प्रकार के विकार लाने का काम करेगा। तो घबराना मत और मन में अच्छे विचार लाना, भक्ति पूजा पाठ इन सब चीज़ों में थोड़ा पढ़ो, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये सब्जी काटते हो लगता है, बड़ी हो रखी है यहाँ पे ताक। तो इसमें क्या करना है, देखो हमारे ब्रज में काटना नहीं बोलते हैं, ठीक है, अमनिया करना बोलते हैं। मतलब इस शब्द ना हिंसा को दर्शाता है काटना। तो किसी भी चीज़ को हम लोग काटते नहीं है, अमनिया करते हैं, यानी कि उसे फ्रेश करते हैं, दूसरा एक भाषा है इस तरीके से। तो एनीवे यहाँ पे हम बात करें आपके चंद्र सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य की जो ये क्षेत्र है, सूर्य का क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा है और आपके लिए अभी आपके सितारों को काफ़ी इसने बुलंद करके रखा है। तो अभी काहे का डर, काहे का घबराना, बस आनंद से टाइम निकाल लो। बुध का क्षेत्र आपके हित में, काफ़ी अच्छा पूर्वजन्म के कर्म है, काफ़ी अच्छे घर परिवार की प्राप्ति जातक के लिए यहाँ पर होने के योग बनेंगे। हालांकि बीच के योगों को एक बार जरूर मैं बताऊंगा, इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं दोष जिसका निवारण आपके लिए आवश्यक है, अन्यथा वो वैवाहिक जीवन में एक बार ऐसी मुश्किलों को बढ़ाएगा कि पूछो मत। थोड़े ही समय के लिए लेकिन एकदम दुनिया हिला देगा ऐसे योग। अब हम बताते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की स्थिति क्यों। मस्तिष्क रेखा की स्थिति आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन ढंग से चल रही है। देखो बहुत बार दिमाग लगाने की हर एक चीज़ में आवश्यकता नहीं होती, कुछ चीज़ों को दिल लगी समझ के भी भुला दो या यूज में लिया हो तो अच्छा है, ठीक है। कई दफ़े जज्बात काम आते हैं, हर जगह मतलब चालाकी काम नहीं आती, तो वही हाल है आपका। हर जगह चीज़ों को मतलब उसी निगाह से मत देखो। आपकी पूरी पाम में आपने महसूस किया होगा कि मैंने चीज़ों को बिल्कुल हल्का लेने के लिए बोला है, लाइटली वही लो तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा कस देने से ना चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है, वही आपके अंदर संकीर्ण होती चली गई है। छोटे जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी एकत्र हो गई है, एनर्जी को थोड़ा पास होने दो नहीं तो फट जाएगा अंदर ही अंदर, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नीचे की तरफ हम बात करते हैं और मंगल के क्षेत्र की। मंगल की अग्नि यहाँ पर फिर से प्रज्वलित है और काफ़ी तेज प्रज्वलित है, काफ़ी अच्छा है। अभी तक आप तो ऑलरेडी कितनी यात्राएं कर चुके हो, आगे भी बहुत सारी करने वाले हो। इसके अलावा आप कई सारे धन लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि आने वाले समय में और भी खिलेगा निखरेगा और जो आपके हक में जाएगा, ठीक है। लोहे से संबंधित कुछ काम होगा, आपके पति जो होंगे ना वो उनका अपना व्यापार की तरफ बड़ी रुचि होगी उनके, ठीक है, और लोहे से संबंधित काम करने वाले होंगे और उसमें बेहतर इनफैक्ट ये मोटर व्हीकल वगैरह के काम और उसमें काफ़ी सफलता भी अर्जित करेंगे वो। दूसरे आपके चंद्र के ऊपरी शिखर की बात अगर करें तो पानी से थोड़ा दूर रहना, पानी आपके लिए अच्छा नहीं है, ठंड में भी थोड़ा सा बच के रहना, नहीं तो सर्दी बुखार के योग आपके लिए हमेशा बने रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र आपके पक्ष में है तो यहाँ से किसी प्रकार के दुर्गुण के योग नहीं है, चालाक किस्म के हो आप, ठीक है, लेकिन फिर भी जीवन में बड़ी अकेला महसूस करते हो कई दफ़े और चाहते हो बिल्कुल सुकून से चली जाए, शांति जहाँ पे कोई बोलने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, जंगल में पहाड़ में वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें मन में बहुत आती है ना, केतु का बड़ा प्रभाव है आप पे। तो चलो यही सब योग हैं आपके जीवन में, ऑलरेडी हम चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा भी जो भी योग दोष के, एक और बता देता हूँ, संतान की दो पुत्री के योग हैं, पुत्र के योग अभी तक स्पष्ट नहीं है, दो पुत्री प्रबल है।
ठीक है, तो जो भी आपको पूछना हो और आप पूछ सकते हो जब आपकी टाइम दी जाएगी। इसके अलावा जो भी बाकी क्लाइंट देख रहे हो और सॉरी व्यूवर्स, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप, एक फुल्ली पेड सर्विस होती है, ठीक है, फ्री सर्विस नहीं होती, तो वहाँ से देख के आपकी इच्छा हो तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपने बारे में जान सकते हैं रियल एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी अगर कहीं होती है तो रंग एस्ट्रो, रियल मतलब रंग और नहीं कोई। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।